दिल्ली में कल से कोरोना कर्फ्यू में ढील, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई। हरियाणा सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, ऑड इवन फार्मूला के तहत प्रदेश में खुलेंगी दुकानें। हरियाणा में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सीमित संख्या के साथ मॉल्स को भी खोलने की सरकार ने दी इजाजत। यूपी के सीएम योगी की मानवीय पहल, प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कम संक्रमण वाले जिलों में दी जाएगी छूट। कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बिहार सरकार हर महीने देगी 1500 रुपए, बिहार सरकार ने किया ऐलान। त्रिपुरा सरकार ने भी कोविड में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का किया ऐलान, 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 3500 रुपए दिए जाएंगे। देश में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, एक दिन में 1,65,000 से ज्यादा नए केस, लगातार तीसरे दिन 2 लाख से कम केस। देश में दूसरी लहर में डबल स्पीड से कम हो रहा कोरोना पीक के, सिर्फ 3 हफ्तों के बाद ही 50% तक कम हो गए डेली केस। दूसरी लहर में औसत डेली केसेस में 50% की गिरावट, मौतों में अभी 18% की गिरावट, 3000 से नीचे नहीं आया आंकड़ा। शनिवार को देश भर में 20,63,000 से ज्यादा सैंपल की हुई टेस्टिंग, अब तक 34,31,00,000 से ज्यादा सैंपल की हो चुकी है टेस्टिंग। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया आदेश, कहा वैक्सीनेशन पैकेज देने वाले अस्पतालों और होटल्स पर फौरन ले एक्शन। कोरोना की तीसरी लहर में और बिगड़ सकते हैं हालात, आईआईटी दिल्ली ने किया आगाह। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में मरीजों की संख्या में 60% तक बढ़ सकती है। कोरोना को लेकर फिर चर्चा में चीन का वुहान लैब, अमेरिका कर रहा है चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी। कोरोना फैलाने में चीन के सबूत आए सामने, खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश। अलीगढ़ की नर्स नेहा खान का वीडियो आया सामने, वैक्सीन देने के नाम पर नेहा खान ने की धोखाधड़ी। वैक्सीन दिए बगैर ही सिरिंज निकाला, नर्स नेहा खान के खिलाफ मामला दर्ज। असम में एक दिन में कोरोना के 5,613 नए केस मिले, 77 मरीजों की गई जान। पीएम मोदी ने 77वां मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्यकर्मियों ने खुद की चिंता के बिना ही काम किया। पीएम मोदी ने कहा बड़ी चुनौतियों में संकल्प भी बढ़ा है, ऑक्सीजन सप्लाई पर युद्ध स्तर पर किया गया काम। पीएम मोदी ने कहा 2500 से ज्यादा टेस्टिंग लैब काम कर रहे, रोजाना 20 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे। सरकार के 7 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब, 7 सालों में कई विवाद सुलझाएं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे, कोरोना के चलते बीजेपी नहीं मना रही है जश्न। सरकार के 7 साल पूरे होने पर अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा पीएम के नेतृत्व में भारत सशक्त बना, विकास सुरक्षा जन कल्याण का काम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 7 साल पूरे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी बधाई। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने किया चुनौतियों का डटकर सामना, उनके मार्गदर्शन में भारत का आत्मविश्वास जागा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अवसर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, ट्वीट कर पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम योगी करेंगे संवाद, बीजेपी चलाएगी सेवा ही संगठन अभियान। मेहुल चौकसी को भारत लाने की अटकलें तेज, डोमिनिका एयरपोर्ट पहुंचा प्राइवेट भारतीय जेट। एंटीगुआ के पीएम ने भारत के विमान के पहुंचने की पुष्टि की, कहा दिल्ली से जरूरी दस्तावेज लेकर एंटीगुआ पहुंचा विमान। भारत ने एंटीगुआ से मेहुल चौकसी को हैंडओवर करने के लिए कहा, भारत ने कहा चौकसी ने भारत में बहुत बड़ा क्राइम किया है। जेल में बंद मेहुल चौकसी की तस्वीर आई सामने, से हिंदुस्तान के पास है मेहुल की पहली तस्वीर, डोमिनिका की जेल में बंद है मेहुल चौकसी। सागर संक्रमण केस में बड़ी खबर सामने आई, सूत्रों के मुताबिक प्रिंस दलाल बनेगा सरकारी गवाह, वारदात वाली रात सुशील के साथ था प्रिंस दलाल। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच प्रिंस दलाल को बना सकती है गवाह, सुशील के कहने पर प्रिंस उस रात वीडियो बनाने में जुटा था। राकेश टिकैत ने फिर की किसान कानून रद्द करने की मांग, कहा किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाले नहीं। टिकैत ने कहा किसान एक ही शर्त पर लौटेंगे जब तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बनेगा। चंडीगढ़ में तूफान ने मचाया तांडव, जगह जगह गिरे पेड़ और होर्डिंग गिरने से वाहनों को हुआ नुकसान। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का नया बयान, कहा जब से देश आजाद हुआ सरकारी राशन में कभी नहीं मिली चीनी। मोदी सरकार के फैसले से लुधियाना में अफगानिस्तान का सिख परिवार खुश, नागरिकता मिलने के बाद जाएगी जिंदगी में बदलाव की उम्मीद।
मध्य प्रदेश में उज्जैन में युवक की बेरहमी से हत्या का वीडियो वायरल, 5 आरोपियों ने लाठियों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बिहार के बक्सर में शादी समारोह में लॉकडाउन का उल्लंघन, बारबाराओं का डांस देखने के लिए उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिहार का मोतिहारी कोविड केयर सेंटर जलभराव के बाद बना तालाब, वार्ड से बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक डूबे पानी में। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने दी पुलिस को चुनौती, ईंट भट्टे के मैनेजर को बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के मुजफ्फरपुर में यास तूफान के कारण उफान पर बागमती नदी, अतरार घाट पर बना चचरी पुल बहा, करीब 1,00,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। झारखंड के रामगढ़ में किसानों पर कहर बनकर टूटा यास तूफान, खेतों में लगे तरबूज की फसल समेत सब्जियां बर्बाद, मुआवजे की मांग। पीओके में बड़े पैमाने पर निवेश में जुटा तुर्की, जी मीडिया का एक्सक्लूसिव खुलासा, टूरिज्म सेक्टर में तुर्की कर रहे निवेश। तुर्की पीओके में होटल रिजॉर्ट में निवेश कर रहा है, पावर सेक्टर में भी तुर्की कर रहा निवेश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कैरी साइमंड्स से रचाई गुपचुप शादी, कैरी साइमंड्स बोरिस जॉनसन से 23 साल है छोटी। कोरोना के बाद कई देश बना रहे वैक्सीन पासपोर्ट की योजना, विदेशों में यात्रा करने पर डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा जरूरी।